नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैं सांगा पहले तुम्हें जो लिखा है पर पानी कसं आलं आम्हाला हे जेव्हा पाहिजे आम्हाला आता किती लोकांनी भरून गेलं तुम्हाला माहिती आहे। नंबर इंबर येऊन गेलो आणि मोबाईल घेऊन टेंट ठेवतो घालली तुम्ही तुमच्या नियमाला आता येऊन काय होणार काय होणार येऊन आमचा टाइमपास आमचा काम। दोस्तों, वसई के सबसे भरोसेमंद पेट्रोल पंप में से एक पेट्रोल पंप स्टेला पेट्रोल पंप में के पेट्रोल में पानी मिक्स होने की शिकायत तो सामने आई है। दरअसल ये मामला कल सामने आया जब कुछ लोग शिकायत लेकर आए कि स्टेला पेट्रोल पंप के पेट्रोल के साथ में पानी मिक्स है। आप तस्वीरें और विजुअल देख रहे हैं, उस विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बोतल में पेट्रोल लेकर आए और शिकायत करें कि इस पेट्रोल में पानी मिक्स है। तो कहीं ना कहीं इस घटना के सामने आने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप को तुरंत ही बंद कर दिया और फिलहाल पेट्रोल पंप बंद है। हमने भी इस मामले की जानकारी लेने पेट्रोल पंप से संपर्क किया, तब कैमरे के सामने किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अनौपचारिक बात में लोगों ने यह जरूर कहा कि अभी बारिश का समय है और किस तरह से टैंक के अंदर पानी गया इसकी जानकारी भी नहीं है, इसके पता लगाने की कोशिश की जा रही है और जब तक ये पूरी तरह से सही रिस्टोरेशन नहीं हो जाएगा तब तक पेट्रोल पंप चालू नहीं किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुए उसके बाद में प्रशासन ने संज्ञान लेकर फिलहाल पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई भी की है। अब देखना यह कि यह पेट्रोल पंप जो कि अपनी विश्वसनीयता के लिए माना जाता है और पेट्रोल पंप में काफी पारदर्शिता भी है, इस पेट्रोल पंप मालिक ने पेट्रोल पंप के मशीनों के बिल्कुल मुकाबले पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए, किसी तरह की गड़बड़ी इनके कर्मचारी नहीं कर पाए, इसकी पूरी इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो घटना कल सामने आई इसके बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर सवाल उठ रहे हैं और पेट्रोल पंप मालिक चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो इससे लोगों में अपना भरोसा वापस बना पाए। आप ये जो विजुअल और तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर कल की है और स्टेला पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने वाले लोगों की है। हालांकि हमें ये भी जानकारी मिली है कि जब शिकायतें पेट्रोल पंप मालिक को मिली तो उन्होंने तुरंत उन शिकायतों का संज्ञान लेकर शिकायत लेकर आने वाले लोगों को उनका पैसा रिफंड दिया और कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद पेट्रोल पंप संचालक जो है उन्होंने अभी फिलहाल के लिए पेट्रोल पंप को बंद कर दिया। अभी के लिए इतना ही, ये खबर कैसी लगी आप अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आता आपण सध्या उभा आहे स्टेलाच्या पेट्रोल पंप जवळ आणि इकडे त्या लोकांनी लोकांची फसवणूक केली आहे। हे बघा आपल्या समोर दृश्य आहे, हे लोकांनी सर्वांनी पाणी भरला होता गाडीमध्ये और ये लोग ने क्या किया है, पानी पेट्रोल के जगह पानी सबको भर के दिया है, देखो सबके गाड़ी में वही की है। ये लोग ने कितने लोगों को फंसाया होगा अभी तो अपने को पता नहीं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा लोगों को जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए ये बात को। म्हणजे याच्यामध्ये लिहून काय होणार आहे, म्हणजे मला हे सांगा पहिले तुम्ही जे लिहित आहे हे काय आहे, पण पाणी कसं आलं आम्हाला हे जेव्हा पाहिजे आम्हाला आता किती लोकांनी भरून गेलं तुम्हाला माहिती आहे। नंबर इंबर येऊन गेलो मोबाईल घेऊन टेंट ठेवतो घालली तुम्ही तुमच्या नियमाला आता येऊन काय होणार काय होणार येऊन आमचा टाइमपास आमचा काम। पाणी कसं काय आलं त्याच्यामध्ये आम्हाला पैसे गाव नको आम्हाला जवाब दे कसं काय पाणी आला, म्हणजे आम्ही एवढ्या वर्षांनी पेट्रोल तिकडे भरतोय म्हणजे पाणी दे आम्हाला पूर्ण वसईमध्ये तुमच्या शहराचं नाव होतं की चांगला पेट्रोल भेटतो ना, आम्हाला जवाब पाहिजे कोण देणार कोण तिकडे जात नाही। तुम्ही नावाला नावालिकडे बंद करा नावाला चांगले भेटते मग लोक देतात आणि असं जे लागलं काय फायदा इथं।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।